कुमार मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रंजीत जी, देखिए कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स का पी भी राहुल गांधी नहीं जानते हैं। एक चांदी के चम्मच के साथ वो पैदा जरूर हुए एक ऐसे घर में जहां पॉलिटिक्स उन्हें सिखाने की कोशिश तो की गई, लेकिन कोशिशों के बावजूद सिखाया कुछ गया और कर वो कुछ देते हैं। लेकिन ये जो चक्रव्यूह वाला बयान है और जो ईडी को लेकर अब उन्होंने नया पोस्ट किया है, इस पर सियासत तेज हो रही है, जरा समझाइए। समझ नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं आखिर। पूजा जी, सबसे पहले तो जो कहते हैं कि राहुल जी को पॉलिटिक्स का पी नहीं आता है, तो जब पी नहीं आता है तब तो पूरी मोदी सेना एक तरफ से उनको गाली गलौज करने को उतर जाती है संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो पी नहीं आता है तो ये तो समझ में आ रहा है कि उनको क्या आता है, और उनका तीर जब निशाने पर लगता है तो किस तरह से सत्ता पक्ष में बेचैनी होती है ये पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था, ये कह रही थी कि स्क्रिप्ट राइटर उनका कैसा है। अरे भाई, टेली प्रॉम्प्टर पे वो नहीं बोलते हैं, वो अपने तरफ से बोलते हैं। और समझ आती है उसमें राहुल जी की गलती नहीं है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले को ये सब बातें थोड़ी कम ही समझ में आती है। अगर अगर सही में कोई पढ़ाई लिखाई करके आया रहता तो उससे वो सारी बातें समझ में आ जाती। रही बात ईडी वाले बयान की पूजा जी, तो आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा कि इतने दिनों तक इस मुख्यमंत्री को जेल के अंदर रखा गया और ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है जो ये बताता हो कि हेमंत सोरेन की कहीं भी उसमें भूमिका है। और उन्होंने उनके ईडी के बातों को खारिज किया। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट भी ये लोग गए और सुप्रीम कोर्ट में भी उनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये लोग तो अपने प्रतिपक्ष को फंसाते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं और अदालतों में बार बार इनको मुंह की खानी पड़ती है। रही बात चक्रव्यूह की बात, तो देखिए एक बात तो निश्चित है कि भारत का जो मध्य वर्ग है चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, बेरोजगार युवा चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। पहले तो पेपर लीक की ही बात आती थी, अब तो राम मंदिर लीक और संसद लीक की भी बात आप देख रही होंगी। तो हर जगह ये लीकेज सरकार हो गई है, ये अभी तक लाखों करोड़ रुपए बहा चुकी है इन चीजों में और सब जगह इनका लीक हो रहा है। एनटीए तो पूरी तरह से नॉन ट्रांसपेरेंट एजेंसी इन्होंने बना दिया है। महंगाई ये रोक नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी रोक नहीं पा रहे हैं। 30 लाख से अधिक पद केंद्रीय कर्मचारियों के इन्होंने खाली रखा है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। भाई क्यों खाली रखे हो जब इतनी बेरोजगारी है। आज बेरोजगारी पे चर्चा थी क्या? पता नहीं था मुझे बेरोजगारी पे चर्चा, किसी और दिन रख लेंगे। बरखा जी, हाँ नहीं नहीं, सब पे चर्चा करेंगे जिस पे आप बात। आज तो ईडी पे चर्चा थी, ऐसा आप होमवर्क नहीं कर क्या? ईडी पे चर्चा है, ईडी ईडी, आपको ईडी पे विश्वास है कि नहीं पहले तो ये बताइए, क्योंकि ये जांच एजेंसियां हमारी सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, कोर्ट हो गए, आपको तो ना कोर्ट पे फैसले पे यकीन होता है, ना ईडी पे, ना सीबीआई पे, आखिर आपका विश्वास है कि इसमें सिवाय राहुल गांधी के? आप भी एंकर बन जाइए, पूजा जी को छुट्टी दे दीजिए, वो काम भी बीजेपी कर ले, अभी तक तो स्क्रिप्ट ही भेजती है, बाकी मैं तो बीजेपी से नहीं हूँ सर, आपकी गलत फहमी दूर कर दूँ। तो आप एंकर क्यों बन रहे हो पूजा जी को? मैंने तो एंकर नहीं किया, मैंने तो रिबटल दिया था। रंजीत जी, सवाल पूछने का अधिकार पैनल में जुड़े हर एक गेस्ट को है, अगर वो सवाल पूछ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंकर बन रही है। नहीं, लेकिन वो नहीं, वो आपसे सवाल पूछ सकती है, तरीका सबका अपना अपना होता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं या जवाब किस तरीके से आप देखते हैं ये जरूरी है। पूजा जी, जो भी प्रश्न पूछना है आप पूछे, दूसरे को एंकर ना बनाए। नहीं, मैं बिल्कुल पूछ रही हूँ आपसे सवाल, और मैं बेहतर तरीके से पूछ भी सकती हूँ, लेकिन अगर काउंटर क्वेश्चन होगा किसी का तो आपको जवाब देना होगा। हाँ तो बताएं, प्रश्न बताएं। मैंने तो आपसे सीधा सीधा ईडी को लेकर सवाल पूछा गया है आपसे, बरखा जी की ओर से। साफ तौर पर वो कह रही हैं कि अगर ईडी को लेकर आज सवाल खड़े किए गए हैं, पोस्ट किया गया है, तो आखिर ईडी को लेकर अचानक से राहुल गांधी क्यों होश में आए हैं? ये सवाल है, बेरोजगारी का सवाल थोड़ी ना है सर। देखिए, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो इसी तरह के प्रश्न होते हैं। देखिए, ईडी के बारे में आपको बताऊं, बेरोजगारी पे ये कहा है कि ईडी के सोर्सेस ने उनको ये बताया है कि उन पर रेड की तैयारी चल रही है।
और आपको ये भी पता है कि इससे पहले 50 घंटे तक राहुल जी को बिठाया गया था। तो ये जो कुछ चंद उद्योगपतियों को चलाने वाली जो सरकार है ना, उनको हर बात में भय लगता है और उनको लगता है कि राहुल जी उनकी कलाई खोल देते हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर। तो शायद मुझे लगता है कांग्रेस के सोर्सेज इतने कमजोर हैं सर कि आपके पास सोर्स के थ्रू ये तो पता चल गया कि कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता चला कि कार्रवाई के साथ आखिर आगे क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि अगर सोर्सेज इतने मजबूत है तो अंदर खाने से तो आपको मालूम ही होगा ना कि ईडी गिरफ्तार करेगी या सिर्फ छापेमारी करके निकल जाएगी।